told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. ये है जी भैया प्रियांशु का घर, ये रहा हमारा लड़का। चिकन रोटी हिला दी इसने, चाय, और हमारे 2 घंटे वेस्ट भी करा दिए। वेस्ट तो क्या, आराम कर लिया हमने। और एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, पता क्या, भाई के पास सोनी अल्फा A7S III है, और वो भी 28-70 लेंस के साथ। और इसने उसको छुपा के रखा था, मैंने इसे कैमरा निकाल के इसमें डाल लिया। बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको फोटोज और वीडियोज और सिनेमैटिक शॉट्स देखने को मिलेंगे। बस एक उसी कैमरे की कमी थी, जो कि कैमरे की कमी पूरी हो गई है। अब जल्दी से निकलते हैं। अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम सिक्किम तो शायद नहीं पहुँच पाएंगे, तो हम शायद दार्जिलिंग भी नहीं पहुँच पाए, क्योंकि 2 ऑलरेडी बज गए हैं। तो हम शायद रुकने वाले हैं सिलीगुड़ी। तो अभी निकलते हैं भैया। Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. भाई so far so good, अभी तक की जर्नी बहुत ही बढ़िया जा रही है। और मुजफ्फरपुर से प्रियांशु के घर से निकल के हमने एप्रोक्सीमेटली करीब लगा लो 100-120 किलोमीटर के आसपास की जर्नी हमने कर ली है कंप्लीट। तो है फ्यूल पंप में, उसका फ्यूल खत्म हो गया था फ्यूल पानी के लिए। और चेक दिस आउट, ये देखो बहुत तगड़ी बारिश हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा। हम जब से निकले हैं ना तब से बारिश ही बारिश हो रही है सिर्फ, और बारिश के अलावा कुछ भी नहीं है। इस वजह से गोप्रो भी भाई हमने बैग में रख दिया था, गोप्रो भी नहीं निकाला। और बारिश है ना, अचानक से तेज़ हो जाती है, फिर कम हो जाती है, फिर बहुत तेज़ हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी, ऐसे हो रही है। और ये रही अपनी बाइक, ये रही अपनी हिमालयन, और ये रही अपनी प्रियांशु की बाइक। मज़ा आ रहा है लड़के, भीग रहे हैं। और बता, कुछ बोलना चाहेगा? और मानसून के मज़े लो, मानसून के मज़े लो। और अभी ये भाई हम वेस्ट बंगाल बॉर्डर मतलब पहुंच जाएंगे शायद, मेरे को जहां तक अंदाज़ा लग रहा है 100 या 120 के आसपास रहेगा मैक्सिमम, 150 उसके ऊपर नहीं होगा। तो अभी देखते हैं। और अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ भाई वो सोनी अल्फा A7 III नहीं है, A7 III से शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पकड़ के ऐसे शूट करना इतने बड़े कैमरे को। इसके नीचे वो लगा सकते हैं, बट अभी तक लगाया नहीं है मैंने। ट्राईपॉड को एक है हमारे पास हैंडल्ड वाला, बट लगाया नहीं है। बट हाँ, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा सही आने वाली है। बारिश से ही बचाना है, इस वजह से इसको बार बार निकाल नहीं रहे हैं। तो अभी कुछ खाया नहीं है, प्रियांशु के घर हमने खा लिया था रोटी और चिकन, और जो कि इसने बनाया था। वही चिकन तूने बनाया था क्या? चिकन तूने बनाया था? हाँ, मतलब हाँ, मैंने ही बनाया। तो इतना इस बात को इतना रैंप वॉक करके क्यों बोल रहा है? मल्टी टैलेंटेड लड़का भाई, अगर लड़की चाहिए तो इसको कांटेक्ट कर लेना, इसका नंबर डाल रहा हूँ मैं। लड़की चाहिए नहीं, लड़की फिर लड़की को अगर मैं चाहिए, सबसे बड़ी बात लड़की को अगर ये चाहिए। तो अब शुरू करते हैं जी। देखो उधर का मौसम खुलने लगा है, इधर वाला आपको मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा, आप देखो देखिए उधर का मौसम खुल गया है और इधर देखो। ऑलराइट जी, समय का अपडेट है 5:30 और अभी तक हमने मुजफ्फरपुर जब इसके घर से निकले थे वहाँ से अप्रोक्सीमेटली हमने शायद 200 या 250 के आसपास चला लिया और अभी भी करीब 200 रहता है। मेरे मैप में तो दिखा रहा है 160 और तेरे मैप पे कितना दिखा रहा है? 160 के करीब, 160 170 160 और ऐसे दिखा रहा है 200 समथिंग। तो मतलब वही है अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास अभी भी बचा हुआ है। और हमने सिर्फ एक ब्रेक लिया था जब से हम उसके घर से निकले थे मुजफ्फरपुर से, वो ब्रेक था मेटियोर में फ्यूल डलवाने के लिए। अब उसके बाद से अभी रुके हैं, चाय वाय पियेंगे, कुछ खाएंगे, उसके बाद से फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और मौसम अभी सही हो गया है लेकिन अभी भी ये काले बादल देखो अभी अचानक से आ गए हैं, बाकी इसके पहले तक बादल नहीं थे। मतलब पिछले 50 किलोमीटर से मौसम सही था, बादल नहीं थे। और भूख लग रही है क्योंकि दिन में सिर्फ एक ही बार खाया था जब इसके घर से निकले थे, चिकन और रोटी, उसके बाद से कुछ नहीं खाया। तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, अब बॉडी को भी शांति देंगे, थोड़ा सा आराम करके चाय वाय पी के कुछ खा के फिर आगे निकलेंगे। कौन सी जगह है भैया, नाम बताओ? सर थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा। अररिया शहर के सबसे मुक़द्दस गांव दोरिया सोनापुर है, जहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं। और यहाँ की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर सब्जियाँ और धान की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। और इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं, धान की खेती की वाली बात तो सही है क्योंकि अभी हम जब पीछे आ रहे थे तो पीछे है ना दोनों साइड है ना सिर्फ धान का खेत ही खेत दिख रहे थे, बहुत दूर तक खेत दिख रहे थे। और साथ में फिर रेलवे के ट्रैक थे, उस सिनेमैटिक शॉट्स में आपने वो भी देखा होगा शायद। आगे बताइए। और एक ख़ास बात यह है कि ये गांव बहुत पहले ही से एक इल्मी गांव रहा है, यहाँ बड़े से बड़े पर्सनैलिटी यहाँ पे पैदा हुए हैं और कुछ शख्सियत अभी भी ज़िंदा है जो अभी कुछ बाहर बैठे हुए। एक बड़े मौलाना, वो एक PhD होल्डर हैं, तो मेरठ यूनिवर्सिटी पे PhD किए हुए हैं। वहाँ से रिटायर के बाद यहाँ डोरिया में अभी कुछ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह से इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं जो दुबई में और अदर कंट्री में रहते हैं। और हम लोग जो अभी छुट्टी में आए हुए हैं, हम लोग भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अच्छा, स्टूडेंट हो आप? क्या पढ़ रहे हो आप वहाँ पर? वहाँ ग्रेजुएशन मेरा मुकम्मल है पॉलिटिकल साइंस से, अभी फिर MA करने जाना है MSW से। अच्छा, और आपका क्या चल रहा है वहाँ पे? BEd चल रहा है। BEd चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया। तो फिर टीचर बनने की पूरी तैयारी है? हैं भाई तू बहुत सही आ रहा है फ्रेम में, कुछ बोल भी दे। बोल जल्दी, मुंह खोल। क्या बोले? जो तेरे को बोलना है वो बोल। दो शब्द भैया के, क्या दो शब्द तो बता। बस हो गया, ज़्यादा बोलना नहीं है। हो गया जी, चाय वाय पी के हम निकल रहे हैं यहाँ से। और सिलीगुड़ी अभी भी 170 है और टाइम लगेगा। अभी ट्राई करेंगे कि हम करीब 100 किलोमीटर चला के आगे रुक जाएँ। अभी फ्यूल ब्रेक लेना है, फ्यूल मेरी गाड़ी में ख़त्म हो गया है। और अभी आपको बता भी देते हैं कि कितना, मतलब इस वाले टैंक फुल कराया था उसमें क्या मायने का है वो भी बताएँगे। और ये रहा हमारे खाने की अवशेष जो हमने खा के छोड़ा हुआ है और कुछ इधर गिर गया है। हाँ भाई चले अब। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. ऑलराइट जी, समय का अपडेट है 10 और अभी हम वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में तो बहुत पहले एंटर कर चुके थे। सिलीगुड़ी यहाँ से रहता है अप्रॉक्सीमेटली 70 या 60। तो अभी रुके हैं हम एक ढाबे पे, मतलब ढाबा तो नहीं है, रेस्टोरेंट है, इधर रूम भी अवेलेबल है, बट यहाँ पर हम नहीं रुक रहे हैं। ऑर्डर कर दिया है खाना, बटर चिकन। ब्लैक कोक नहीं चाहिए, नॉर्मल दे दो ना यार। नॉर्मल कुछ नहीं है क्या तुम्हारे पास? बटर चिकन और तवा रोटी ऑर्डर कर दिया है, खाना भी आने वाला है, देखते हैं खा के। बंगाल का पहली बार मैं बंगाल आया हूँ, वेस्ट बंगाल, और बंगाली खाना कैसा रहता है टेस्ट, लेट्स सी। और अभी अपडेट लेते हैं भाई साहब से। भाई साहब बताइए ज़रा रोड के कंडीशन के बारे में। रोड तो काफ़ी ख़राब थी, हालत ख़राब हो गई। इतने बड़े बड़े तेज बोलो बीच में, इतने बड़े बड़े पैचेस थे बीच में। कितने बड़े बड़े भाई, और किस चीज़ के पैचेस थे वो भी तो बताओ। खड्डा था भाई, खड्डा। और क्या हुआ तुम्हारी बाइक में? कुछ हुआ? मैंने सुना खतरनाक जंप लिया यार, बहुत जंप, बहुत जंप। पूरा सामान हिल गया था, मैं भी हिल गया था साथ। पर ठीक है, अंधेरा भी इतना है, रात हो गया है, दिख नहीं रहा है, तो विजिबिलिटी भी लो है भाई। इसीलिए ना जो एडवेंचर बाइक होती है ना, उसका फ़ायदा यही है कि एडवेंचर बाइक को आप चाहे जितने मर्जी गड्ढे हो, आप उसको आराम से खुदा के गड्ढों में डाल के लेकर आ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। इसी और टूरिंग बाइक में और एडवेंचर बाइक में यही डिफरेंस है। मीटियोर जो है वो टूरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो गड्ढों गड्ढों में आप नहीं ले जा सकते। एडवेंचर बाइक में क्या होता है, एडवेंचर टूरर कैटेगरी की बाइक में आप टूरिंग में बहुत ईजिली कर सकते हो, और ये ख़राब रास्तों को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है। अब यहाँ से निकलेंगे, अब विल बी बैक ऑन सैडल, और उसके बाद से फिर अब सीधा मिलते हैं होटल में। समय का अपडेट 1:30, और हम पहुँच चुके हैं NJP न्यू जलपाईगुड़ी। फुल फॉर्म है भाई NJP का, न्यू जलपाईगुड़ी। पूछा मैंने बढ़िया से, ये सिलीगुड़ी से थोड़ा सा आगे पड़ता है। और भाई सिलीगुड़ी में तो भाई होटल ही नहीं मिला, जितने भी होटल थे ना सारे के सारे होटल बंद थे, सारे के सारे होटल बंद थे। हम आगे चलते गए, फिर हमारे को ये मिल गया एट द एंड। और पिछले नहीं भी तो आप लगा लो, पिछले 1-1.5 घंटे से है ना हम होटल ढूंढ रहे थे, और आप ट्रस्ट नहीं करोगे, हमने है ना उम्मीद एक टाइम पे छोड़ दी थी, और हमने बिल्कुल ये उम्मीद लगा ली थी और बना ली थी, हमने दिल में, अंदर मन में, दिमाग में सोच लिया था, मना लिया था हमने दिमाग को। आप समझ रहे हो कि हम यहाँ से तुरंत गैंगटॉक निकल जाए, और गैंगटॉक अभी भी यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर 110 किलोमीटर दूर है। तो अभी प्रियांशु से पूछते हैं जरा। हाँ भैया प्रियांशु, हमारी तो हालत ख़राब हो चुकी है। क्या ख़राब है? अभी होटल ढूंढते होटल ये तेरा होटल हो गया। हाँ, जितना भी होटल ढूंढने गए सब शटर बंद है, सबकी शटर बंद है। मिल ही नहीं रहा यार, होटल बहुत सारे हैं, मिल कोई नहीं रहा, सारे का शटर बंद था। आप इसके बात करने के अंदाज से समझ गए होंगे कि भाई कितना ज़्यादा थक चुका है, बिल्कुल। और मैं भी थक चुका हूँ, ये भी थक चुका है। अब वैसे तो नहाने का मन है पूरा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें से स्मेल भी आ रही है, लेकिन टाइम और बॉडी एक तरफ से आवाज़ दे रही है कि भाई चुपचाप मुँह हाथ धो और सो जाओ। तो अभी हम यही करने वाले हैं, चुपचाप मुँह हाथ धो के सोने वाले हैं। तो इसी गुड नोट के साथ, अगर आपको आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो, या फिर अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करा हुआ है तो अपने दोस्त पे, अपने रिश्तेदार को सब्सक्राइब करवा दो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो, और ये भी बताना मेरे को कि कौन कौन बिहार से है, कौन कौन वेस्ट बंगाल से है जो कि इस वीडियो को देख रहा है, और कौन कौन दिल्ली से है। तो इसी गुड नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो चुप हो जाएगा 2 मिनट। इसी गुड नोट के साथ इसी ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं जी। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।